बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंगना पर ऐसी विवादित टिप्पणी की कि अब तूफान मच गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इधर बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया, उधर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन बीजेपी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोल रही है और सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा भी मांग रही है। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है, और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो कि आलू फैक्ट्री में बनते हैं या खेत में पैदा होते हैं, या राहुल जी के सामने को फसल लेकर चले जाए, किसी फसल को बता दे, तो कांग्रेस कभी भी अपनी गिरबान में झांकती नहीं है, दूसरे पर टिप्पणी करती है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया, उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक, हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए, और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेरे मेटा अकाउंट्स तक पहुंच हासिल कर ली, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी जिसे हटा दिया गया है। जो कोई मुझे जानता है वो ये समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ, मैं इसकी घोर विरोधी हूँ। अब बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की बेटी है, उन्होंने फिल्म जगत में मंडी का नाम रोशन किया है, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है। आज तक ब्यूरो।